पुराना मंदिर 1984 की भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर फिल्म। रामसे के अन्य मूवीज की तरह ये फिल्म एक राक्षसी जादूगर सामरी की कहानी बताती है जो एक हिंसक गतिरोध के बाद एक राजा को श्राप देता है कि उसके परिवार की हर महिला सदस्य बच्चे के जन्म के समय मर जाएगी। फिल्म की शुरुआत 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत के राजा हरिमान सिंह के शाही जुलूस से होती है जो काली पहाड़ी के पास फंसे हुए थे। राजा चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी राजकुमारी रूपाली शैतान पूजक सामरी की मांद के पास गायब हो गई है। राजकुमारी एक पुराने किले के खंडहरों में भटकती है और तुरंत सामरी द्वारा पकड़ ली जाती है। वो उसे सम्मोहित करके हमला करता है, फिर उसकी जीवन शक्ति को चूस लेता है जिससे उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सामरी की आंखें खून से लाल हो गईं। राजा हरिमान सिंह इस कृत्य में सामरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। सामरी पर मुकदमा चलाया जाता है जहां उसके अपराधों की भयानक कहानी पढ़ी जाती है। उसने अपने राक्षसी स्वामियों को प्रसन्न करने और अपनी बुरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न घृणित कार्य किए हैं। जबकि राजपुरोहित शाही पुजारी सुझाव देते हैं कि सामरी को शुद्ध अग्नि के अधीन कर दिया जाए, यानी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, राजा एक और वाक्य प्रस्तावित करते हैं, सामरी का सिर काट दिया जाए, बिना सिर वाले शरीर को कालीघाट के पुराने मंदिर के पीछे दफना दिया जाए और सिर को सुरक्षित कर दिया जाए राजा की हवेली में रखा जाने वाला मजबूत बक्सा। सामरी ने राजा को श्राप दिया, जब तक मेरा सिर मेरे शरीर से दूर रहेगा तब तक तुम्हारे वंश की हर महिला प्रसव के दौरान मर जाएगी, और जब मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ जाएगा तो मैं उठूंगा और हर जीवित व्यक्ति को मिटा दूंगा आपका वंश। जैसे जैसे साल बीतते गए, ब्रिटिश राज समाप्त होने के बाद रियासतें भारतीय गणराज्य में विलीन हो गईं, और राजा हरिमान सिंह के परपोते ठाकुर रणवीर सिंह अब शहर में रहते हैं। सामरी को बहुत समय हो गया है लेकिन भुलाया नहीं गया है। उसकी दुष्ट कथा हरिमन सिंह कबीले में पिता से पुत्र तक प्रसारित होती है। रणवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु उनकी बेटी सुमन के जन्म के दौरान हो गई थी। वर्तमान समय में सुमन एक कॉलेज छात्रा है और उसका एक प्रेमी है संजय। जब ठाकुर को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देता है, जाहिरा तौर पर, क्योंकि संजय शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ है। सुमन प्राचीन अभिशाप से अनजान है और अपने प्यार में दृढ़ है, और संजय उसके साथ खड़े रहने में दृढ़ है। वे अड़ियल ठाकुर का सामना करने की कोशिश करते हैं और बाद वाला हार जाता है और उस अभिशाप का खुलासा करता है जो 200 वर्षों से उनके परिवारों को आतंकित कर रहा है। सुमन आधी रात को अपना घर छोड़ देती है और संजय को अपने साथ बीजापुर चलने के लिए मना लेती है। उनके साथ संजय के जिगरी दोस्त आनंद और उनकी पत्नी सपना भी हैं। हवेली में राजा हरिमान सिंह की एक पेंटिंग है। जब सुमन इस पेंटिंग को देखती है तो उसकी नजरें बदल जाती हैं और सामरी की भयानक समानता इसके माध्यम से प्रकट होती है। आनंद और संजय पेंटिंग के पीछे की दीवार को तोड़ते हैं और उस मजबूत बक्से को निकालते हैं जिसमें सामरी का सिर रखा हुआ है। ये समझकर कि यह सिर संभावित रूप से एक बहादुर सैनिक का है जिससे राजा की नाराजगी हुई थी, वे अगले दिन दीवार को सील करने के इरादे से वापस चले गए। हवेली में खजाने की खोज के दौरान सांगा की ठोकर सामरी के सिर पर पड़ती है। सिर मंत्र मुग्ध कर देता है और सांगा को समाधि में डाल देता है, जिससे उसे सिर को पुराने मंदिर के पीछे शरीर के पास लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सामरी को संपूर्ण बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान में इसे फिर से शामिल करता है। सामरी ने राजा हरिमन सिंह के वंशजों को खत्म करने के लिए अपना जानलेवा तांडव शुरू कर दिया। गलतफहमियां और तनाव कई शहरवासियों की जान ले लेते हैं और आनंद को सामरी के हाथों एक भयानक मौत मिलती है। ठाकुर रणवीर सिंह आता है लेकिन वह नहीं जानता कि खून की प्यासी सामरी को कैसे हराया जाए। लोग मंदिर में शरण लेते हैं क्योंकि सामरी उस पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है। वे भगवान शिव की आरती करते हैं।
संजय को मिलता है दिव्य मार्गदर्शन, त्रिशूल के पास राक्षस को जांचने की कुंजी है। संजय और सुमन त्रिशूल की तलाश में हवेली लौटते हैं और सामरी से युद्ध की पेशकश करते हैं। दुर्जन ने त्रिशूल को हवेली के भीतर ही एक अलग स्थान पर रख दिया था। उथल पुथल भरी घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद संजय सामरी को एक ताबूत में फंसाने में कामयाब हो जाता है और राक्षस को रोकने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर उसे गांव के चौराहे पुराने मंदिर के बगल में खींच लेता है। वहां वे जल्दबाजी में चिता बनाते हैं और सामरी को हमेशा के लिए जिंदा जला देते हैं। फिर सुमन और संजय की शादी हो जाती है।